दोस्तों 2021 का वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो नया अपडेट आया है 14 महीना का, जो नया अपडेट आया है उसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों, इसके लिए आपको क्रोम पर जाना होगा। तो चलिए हम अपने होम स्क्रीन पर चलते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं जो इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम में जाना होगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर क्रोम में हम जैसे ही जाते हैं दोस्तों, आपको सर्च बार में लिखना है दोस्तों, आपको sec.bihar ऐसे ही आपको लिख देना है दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, sec.bihar.government.in, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अगला इंटरफेस खुलकर आएगा। इसी प्रकार से आपको यहां पर देख ले रहे हैं दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, आपको यहां पर वोटर लिस्ट 2021 शो हो रहा होगा, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर आप एडवांस मोड पर जाना होगा। एडवांस मोड पर जाने के बाद अनसेव पर क्लिक कर रहा होगा। अनसेव पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट वैशाली है दोस्तों, तो वैशाली मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर चूज करने के लिए प्रखंड कहाँ है आपका, तो जो प्रखंड होगा आपका वह चूज कर लीजिएगा। जैसा कि मेरा प्रखंड महुआ है तो महुआ चूज कर लिए हैं। प्रखंड चुनने के बाद आपको पंचायत चूज करना होगा, जो पंचायत आपका कौन सा पड़ता है दोस्तों। तो मेरा पंचायत फतेहपुर पकड़ी पड़ता है, तो हमने फतेहपुर पकड़ी पंचायत कर लिया है। उसके बाद आपका कौन सा वार्ड पड़ता है दोस्तों, तो मेरा वार्ड नंबर मान लीजिए 1 है दोस्तों, तो 1, तो यहाँ पर 1 पर टिक कर देना है। 1 पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर मदर पर सिलेक्ट कर देना है। मदर पर सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड PDF पे क्लिक कर देना है। PDF पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके मार देना है। ओके मारने के बाद यहाँ पे आपको admin.acc2021 पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जब PDF नया खुलकर आएगा दोस्तों, तो देख लीजिए इस तरह का आएगा, आपको डाउनलोड होकर इस तरह का आएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको आएगा पूरी जानकारी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरी आ गया। PDF में आप देख सकते हैं, जैसा कि 1 नंबर में 724 संख्या है, जो कर्म संख्या है, जिसमें इतना इतना आदमी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपको डाउनलोड करने के बाद इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में।